देखिए सावरके जी के कुछ शब्दों को लोगों ने पकड़ लिया एक स्टेज पे ये कहा कि देर आर टू नेशनस लिविंग इन वन नेशन वन हिंदू एंड वन मुस्लिम ये शब्द है पर अर्ध सत्य है बाद में उन्होंने उसी स्पीच में इक्वलिटी की बात की है कि वी आर डिमांडिंग इक्वल एक राइट्स वी आर नॉट डिमांडिंग स्पेशल राइट्स फॉर मुस्लिम्स वी आर डिमांडिंग इक्वल राइट्स पहले तीन दिन तीन जो ये जो गाड़ी जली उसके दूसरे तीन अगले तीन दिन तक तीस लाख लोग मुसलमानों को मारने के लिए घूम रहे थे तीस लाख हिंदू सेंट्रल गुजरात में और नॉर्थ गुजरात तो ये जो मौका मुझे मिला मोदी सरकार की तरफ से उसके बाद में मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस मेरा बहुत बढ़ गया मुझे लगा कि मेरी जो क्षमताएँ हैं वो बहुत ही उच्च प्रकार कमीशन को स्थापित होकर करीबन अठारह साल हो गए तीन साल में मैंने तीन साल में कमीशन रहा तीन साल में मैंने करीबन चौदह हज़ार चार सौ अपील डिस्पोज की मेरे ख्याल से बारह हज़ार भी कोई पहुँचा नहीं होगा बारह हज़ार भाग्य कोई ने क्रॉस की होगी नमस्कार मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस अब एक ही व्यक्ति कितनी ही प्रतिभाओं का धनी हो सकता है अगर आपको ये देखना है तो आज के हमारे गेस्ट से आप मिलिए सर का नाम है अदरणी उदय माहौरकर जी महाराष्ट्र से हैं पर ग्वालियर के पास सेटल हो गए थे बहुत पुरानी बात है इनके पूर्वज ग्वालियर पर सेटल हो गए थे ये इंडिया टुडे मतलब जो इंडिया टुडे मैगजीन है उसके डेप्यूटी एडिटर इन चीफ थे उसके अलावा ये आ, एक ऑथर हैं जिन्होंने वीर सावरकर के ऊपर एक डिटेल्ड बुक लिखी जिसमें उन्होंने स्थापित किया है कि वीर सावरकर हमारी जो डिफेंस है उसके नोस्टमस भी हैं और उसके पितामह भी हैं उसके अलावा ये आरटीआई के कमिश्नर हैं आरटीआई का कमिश्नर रहते हुए इन्होंने चौदह हजार से ज्यादा केसों का निपटारा किया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है मुझे जब मैंने इनसे बातचीत शुरू करी तो अलग अलग मुद्दों पे बात हुई पर इनके साथ अच्छी बात यह है कि ये किसी भी सवाल को रोकते नहीं हैं कि सवालों को एज इट इज लेते हैं उसके जवाब देते हैं ये नहीं कहते कि इसको काट देना इसको मत रखना जवाब देंगे आपको प्रॉपरली सवाल आपके चाहे जैसे भी हों तो आ, मुझे इनसे बातचीत करके ऐसा लगा कि जैसे किसी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल से मेरी बातचीत हो रही है और अमेजिंग नॉलेज है इनको इन डेप्थ नॉलेज है मुझे उम्मीद है आपको इतिहास के पन्नों पे ये जब ले जाएंगे तो आप लोगों को ये एहसास होगा इतिहास के कई पहलू हैं अच्छा महाराष्ट्र से कहाँ से आप देखिए मैं ग्वालियर से हूँ मूल अच्छा मेरा च्छा. मेरा मूल गांव है आ, नियर पुणे अच्छा पर 240 साल पहले मेरे पूर्वज महाजी शिंदे के साथ में उत्तर भारत आ गए थे अच्छा. मेरे पूर्वज पानीपत की लड़ाई में लड़े थे मेरे पूर्वज टीपू सुल्तान के सामने लड़े हुए और उत्तर भारत की जो लड़ाइयाँ हुई आ, महाजी शिंदे के टाइम पे सभी लड़ाइयों में थे मेरे पूर्वज सुल्तान राव संताजी राव और फकीर जी राव ऐसे तीन थे और फिर हम लोग स्थाई हो गए ग्वालियर के अंदर हु, हु. तो हम लोग ज्यादातर मराठी स्पीकिंग मराठा है इस टाइप स्टिल स्पीक स्पीक मराठी मराठी आई आई अच्छा अमेजिंग बिकॉज़ वाज रेज्ड इन मुंबई मुंबई हां तो तो मैं में 12वीं तक मैंने मेरी मां राजपूती हैं अच्छा मैं मराठा राजपूत हूं अच्छा मेरी मदर तो राजपूती हैं बेस से मेरी मां मेरे मां के पिताजी भी जागीरदार थे ग्वालियर स्टेट में और मेरे पूर्वज सरदार थे पॉल अच्छा, मतलब में सेना में थे हाँ सरदार मतलब सेनापति जी 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 कई लोग समझेंगे ना सरदार मतलब सरदार का मतलब होता है नोबल मैन जी 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 नोबल मैन बाद में लड़ना करना बंदी हो गया ना बाद में हाँ हाँ मैं उसके बारे में सावरकर जी की किताब पढ़ रहा था जो जो वो वाला युद्ध हुआ था अब्दाली और उनके मराठों के बीच में तो ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं कि किस प्रकार से हिंदू जो है वो सहिष्णु और महान बनने की चाह में बड़ी बड़ी गलतियां उनको बोलते उसको उनका जो शब्द है, उसके जो शब्द प्रयोग किया है, वो है सदगुण विकृति। जी 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 दे किया है गांधी जी के लिए हाँ। पर हिंदू जाति के लिए भी सावरकर का जो थॉट है कि जिन लोगों की पुण्य भूमि नहीं है वर्चुण उनको इसमें ढूंढना चाहिए कि मेरी पुण्य भूमि कैसे बन सकती है देखिए सावरकर के हिंदुत्व को एक बड़े परिप्रेक्ष में हमें देखना होगा सिर्फ शब्दों को पकड़ के हम बैठेंगे तो हमें उसका सही उत्तर नहीं मिलेगा जरूर सावरकर ने यह कहा है कि भाई सनातन हिंदू बुद्ध जैन सिख इनकी पुण्य भूमि है फादरलैंड है वो है भारत क्योंकि कहा जैन इन धर्मों का जन्म हुआ है भारत में और मुसलमान और क्रिश्चियन इन धर्मों का जन्म हुआ है भारत के बाहर उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको निकाल दो एक तफावत बताया उसका अर्धगठन में ये करता हूँ कि भारत पर अगर संकट आता है तो उसकी जो वेदना है जो यहाँ के धर्म पालने वाले जो लोग यहाँ के जिन धर्मों का जन भारत में हुआ है उनको ज़्यादा होगी ऐसा उसका अर्धगठन है लेकिन आपको उसको जोड़ के देखना पड़ेगा तीन चीज़ों से एक तो सावरकर का हिंदू मैनिफेस्टो ये किताब उन्होंने लिखी है उन्नीस के अंदर हिंदू जो किताब है पब्लिश हुई उन्नीस के अंदर तीस उन्नीस सौ तीस के दशक में उनका हिंदू मैनिफेस्टो आया कि आजाद भारत का मैनिफेस्टो हो क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा तो उन्होंने कहा है कि आजाद भारत के अंदर सभी धर्मों को समान अधिकार होगा सभी जातियों को धर्म समान अधिकार होगा एक स्टेप और आगे जाके और कहते हैं कि क्रिश्चियन और मुसलमान धर्म के अनुयायियों को अगर के अंदर को कोई कोई बाधा डालता है उनकी पूजा अर्चना के अंदर तो द स्टेट विल स्टेप इन एंड एंश्योर दे आर एबल टू ऑफर देयर पेयर्स इन द वे देखिए third point पर वार्निंग देते हैं but nation will not allow creation of a nation within a nation in the name of religious minorityism. माइनॉरिटीज्म अल्पसंख्यकवाद के नाम पे, धार्मिक अल्पसंख्यकवाद के नाम पे भारत दूसरा भारत बनने की अनुमति नहीं देगा भारत के अंदर की उनका कहना है तो आप सात साल की हिस्ट्री देख लीजिए आप देखिए जो 1945 का इलेक्शन हुआ द लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन बिफोर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस है ना उसकी वोटिंग पैटर्न क्या थी बीस परसेंट वोट मुसलमानों ने डाला था उसमें जागृति कम थी और पच्चीस परसेंट वोटिंग हुआ था हिंदुओं का बीस परसेंट में से एटी uh, सेवन परसेंट मुसलमानों ने वोट डाला मुस्लिम लीग को मतलब वो चाहते थे पाकिस्तान अच्छा बीस परसेंट वोटिंग को हम सौ परसेंट पर उसको लागू कर दें वो भी ठीक नहीं है लेकिन मेजोरिटी मुसलमान भारत चाहते पाकिस्तान चाहते थे इसे सिद्ध हो जाता है, है उसमें से मेजोरिटी आ गया आ, आ, मेजोरिटी था मेजोरिटी मतलब कैन बी सिंपल सैंपल सैंपल ऑफ बिगर पॉपुलेशन में से उनके साथ थी बिल्कुल जी जी हम हम इट इज हम, हम ये नहीं करें कि सो सो वोट करते एटी तो, सेवन उसमें से पाकिस्तान के लिए करते पर सो वोट करते तो कम से कम पचपन या साठ परसेंट पाकिस्तान के लिए करते ये बिल्कुल इसमें से सिद्ध हो जाता है इस वोटिंग पैटर्न में से उसके बाद में हमने पाकिस्तान दे दिया उनको ठीक है उसके बाद में हमको राम कृष्ण और शिव के मंदिर पूर्ण रूप से न मिले उनकी भूमि पूर्ण रूप से न मिले किस टाइप का सिक्युलरिज्म है ये लेकिन गांधी जी की हत्या हुई गांधी जी की हत्या का लाभ उठा के प्रो मुस्लिम नीतियां ठोक मारी नए रूलर्स ने और खास करके जो देवबंदी टाइप के मुसलमान थे जो वहां भी वो कांग्रेस के अंदर से कांग्रेस को कंट्रोल कर रहे थे समझे आप द, दोज पैन इस्लामिस्ट कंट्रोलिंग कांग्रेस फ्रॉम विद इन यह प्रसिद्ध थी जैसे तबलीग जमात है अभी प्रूफ है मेरे पास में एक ऑडियो प्रूफ आया है मेरे पास देखिए अबुल कलाम आजाद खुद ही वहां भी सोच के व्यक्ति थे समझा जिनको पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है समझा पहले मदरसा छाप एजुकेशन मिनिस्टर हाँ इसका कैसा बिल्कुल कैसे अभी मेरे पास एक ऑडियो आया है अब तीन चार साल हो गए अब तो उस प्रूफ को आके एक देवबंदी मौलवी है उसका पूरा ऑडियो स्पीच है मेरे पास बड़ा फेमस है बात भी अच्छा मेरे गुजरात का है अच्छा वो कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने दो बार ये सोचा कि मैं तबलीग जमात पे बैन कर दूं तबलीग जमात मतलब वहाँ बॉडी तो द मिशनरी विंग ऑफ देव स्कूल कह सकते हो आप ठीक है दो बार उन्होंने सोचा कि मैं इसको बैन कर दूं तो दोनों बार उनको रोका अबुल कलाम आजाद ने ये मौलवी कह रहा है ये कह रहा है कि आज अगर हम हैं यहां पे आज तबलीग जमात है तो उसका मूल कारण है अबुल कलाम आजाद ये प्रूफ है इसका आप समझे

आज आज भी मदेरसा में पढ़ाई जाती है मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म का मुख्य कारण है वो किताब अभी पढ़ाई अभी भी पढ़ाई जाती है वो किताब का संशोधन मैंने किया था 2015 के अंदर एक आर्टिकल था मेरा इंडिया टुडे का जो आ, वेब प्लेटफॉर्म है डेली वो पे आज भी वो आर्टिकल है मौजूद है आप देखिए पहली बार उस किताब को मैं दुनिया के सामने में लाया था समझे वो किताब का जो लेखक है शाह इस्माइल भैलवी जी जी ग्रैंड ग्रैंड सन ऑफ शाह वली जी 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 समझे ना आप वो उसका उन्होंने प्रेस किया हुआ है अपने अरबिक और उर्दू राइटिंग के अंदर अबुल कलाम आजाद ने अबुल कलाम आजाद के कई प्रूफ हैं इस और आ, जो हुसैन अहमद मदनी हो गए जमत है उले के फाउंडर अरसद मदनी के फादर उन्होंने 1945 में देवबंद कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में थी उसमें क्या कहा था उसने कहा था कि जिन्ना जो है वो बहुत बड़ा भारत का नुकसान कर रहा है पाकिस्तान मांग के क्योंकि हमारा जो तबलीग का हक है तबलीग मतलब प्रपोकेशन ऑफ इस्लाम विद ए व्यू टू कन्वर्जन उसको वो लिमिट कर रहा है जो देश के लिए कुर्बानियां दी है मुसलमानों ने उनका हक तबलीग का पूरे देश में बनता है कहा हुआ है जो कहा दोस्त है किसके अबुल कलाम आजाद के एक सोच है ना पूरी सर के जीता हुआ है पूरा हम क्यों दे तो किसी को ये तो हमारा तो जीता हुआ है बिल्कुल मेरी बात सुनिए आप मुसलमानों का ये मानना कि हम आ, आ, जब जब ब्रिटिश आए द रूलर्स एंड देयरफॉर दिस कंट्री शुड कम बैक टू अस ये बिल्कुल गलत है ये जालसा जालसाबाजी है देश के साथ और हिंदुओं के साथ में क्योंकि मराठों ने मुस्लिम रिलीजन मुस्लिम रूलर्स को खत्म ही कर दिया था देखिए 1820 ट्वेंटी इज द वाटर ईयर एटीन के अंदर करीब करीब पूरे भारत पे आ, ब्रिटिशर को कब्जा आ गया 1820 के पहले निजाम के अलावा कोई मुस्लिम रूलर नहीं था बड़ा पूरा पूरे देश पे जो कब्जा था वो किसका था मराठों का ही था वो मराठों का था होलकर का था सिंधिया का था जी 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 गायकवाड़ का था बिल्कुल नागपुर का घोसले का था जी 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 पेशवा का था पूरा बटा हुआ था मतलब अहमद तो जो जो खां और इनके जितने भी बड़े बड़े जो आका है जो सेपरेटिस्ट विचार वाले वो जो सिखाते वही गलत है उसकी नींवी गलत है तो सावरकर पर अपन वापस अगर आते हैं तो सावरकर ने मैंने कहा हिंदू मैनिफेस्टो में क्या कहा क्या कहा उन्होंने ठीक है फिर जब नाइनटीन थर्टी एट के अंदर सावरकर जब लाहौर गए हिंदू महासभा अध्यक्ष के रूप में तुमको पत्रकारों ने पूछा कि आप और जिन्ना भारत को मजहब के आधार पर तोड़ने पर क्यों तुले हो उस टाइम पर सावरकर का क्या जवाब था ये हमको याद करना बहुत आवश्यक है उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है मैं और जिन्ना एक ही पर वाले पक्षी नहीं है जिन्ना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रिहा है मुसलमानों के लिए हिंदू हकों का हनन करके जबकि मैं समान अधिकार की बात कर रहा हूं तो सावरकर की जो फाइट थी इट वाज नॉट ए फाइट फॉर स्पेशल राइट्स फॉर हिंदूज इट वॉज ए फाइट फॉर इक्वल राइट्स इन दिस कंट्री बिकॉज दैट वॉज नॉट इवन अवेलेबल यस yes, सडनली जो उन्नीस का जो लखनऊ पैक्ट है बड़ा खतरनाक है ये बात हो रही है कि वो एक ऐसा वाक्य है कि जहाँ माने तिलक जैसे महान नेता वो भी एक बार गलती कर गए मुस्लिम रणनीति के सामने एक तरीके से उन्होंने गलती की समझे ना देखिए ब्रिटिश थ्रू आउट ये तय ये इसमें पड़े हुए थे कि भाई हिंदू और मुस्लिम अलग कैसे रहे तो मिंटो मोरले जो एक, जो पैक्ट आया रिफॉर्म्स उन्नीस के अंदर उसके अंदर उन्होंने स्पेशल इनको कंसेशन दिए समय पहले लॉर्ड डफरिन ने दिए थे 19, uh, 1882 के अंदर समझा नाइनटी टू में समझा फिर ये आ गया ये म, 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 मिंटो मोरले रिफॉर्म्स ठीक है फिर 1916 के अंदर ये लोग इनका तुरंत ये प्रयास था कि हिंदू और मुस्लिम दूर कैसे रहे उसके अंदर आगा खान भी थे जी 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 अलग मुस्लिमों को हक मिले ज्यादा मिले उसमें आगा खान भी थे उसके परिवार वाले आज भी वही कोशिश कर रहे हैं कर रहे होगा में सेटल हो गए कोशिश करते हैं ठीक रहा है आजाद भारत ऐसा नहीं है लेकिन आ, ये जो सेपरेट डिमांड थी उसके आगा खान उस टाइम पे थे बिल्कुल थे ठीक है मुस्लिम लीग का भागी थे एक तरीके से तो उन्नीस सौ सोलह के अंदर लोगों ने तिलक ने यह सोचा कि ये जो ब्रिटिश की स्ट्रेटेजी है उसको डिफीट करना तो उन्हें कहा कि हम ही कुछ कंसेशन दे देते हैं मुसलमानों को तो वो जो लखनऊ बैठ के कंसेशन बड़े खतरनाक है ऐसे ऐसे कंसेशन है पूरा फार्मूला इस टाइप का था कि जहाँ मुसलमानों को तीन सीटें वहाँ हिंदू को एक सीटें या दो सीटें पूरा फार्मूला उसका उस टाइप का था समझा आप मतलब वो बिल्कुल एक धोखाधड़ी थी जब यहाँ से जब वो लुकाम तिलक जब वाराणसी गए लखनऊ से ये पैक्ट साइन करने के बाद तो बी एस मुंझे बहुत बड़े नेता देश के और राष्ट्रवादी और बड़ बड़े बड़े हिंदुत्ववादी नेता वो और अपने हिंदू महासभा के प्रस्थापक अपने मालवीय जी मदन मोहन मालवीय जी इन्होंने पूछा कि भाई आपने ये क्या किया ये ये तो आपने मुस्लिम तिश्न के दवा आपने खोल दिए उन्हें कहा देखिए मेरे पास और कोई चारा था नहीं पर ये पैक दस साल के लिए दस साल के, दस साल के बाद में अगर ये ठीक नहीं लगता तो हम इसको तोड़ देंगे ठीक है लेकिन दस साल के अंदर तो वही चले गए खुद गांधी जी आ गए गांधी जी तो उससे भी <laughs> जी भी ज़्यादा ज़्यादा गांधी जी वो थे आ, मतलब उनका जो मॉडल था मुस्लिम का तो बड़ा क्लियर मॉडल था उनका हिंदू उनकी उनकी जो गांधी जी का जो मॉडल है उसको मैं कहता हिंदू मुस्लिम हिंदुओं की कीमत पर नहीं नहीं वो तो पूरा। पूरा। और मैं उसको ये कहता हूं कि उनका जो संपूर्ण अहिंसा का जो मॉडल है हाँ उनका ऐसा गांधी जी के देखिए कई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी ऐसा नहीं कहेंगे लेकिन ये दो चीज़ों ने बड़ा नुकसान किया भारत में और भारत के विभाजन में भी इसका मुख्य रोल है एक हिंदू मुस्लिम एकता का मॉडल विच वॉज विच आई से हिंदू मुस्लिम एक यूनिटी एट हिंदू कॉस्ट और दूसरा उनका संपूर्ण अहिंसा का मॉडल लॉर्ड भगवान बुद्ध और भगवान माहिर ने भी ये कभी नहीं कहा कि कोई आप पे वार कर आप प्रतिकार मत करो गांधी जी मानव जाति के पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कोई वार करता है प्रतिकार मत करो ये, ये 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 मुस्लिम लीग के लिए एक वेपन हो गया मैं एक सवाल यह इस पे है कि गांधी जी ठीक है बहुत सारे लोग काउंटर बोलते हैं कि गांधी जी ने बड़े अच्छे अच्छे भी काम करें आई डोंट माइंड दैट बट आपके अच्छे कामों से पहले अगर मैं मर गया आपकी हरकतों की वजह से तो आपके अच्छे काम मुझे कहाँ दिखाई पड़ेंगे इसमें कोई डिबेट करने जैसा है नहीं वो तो गलत ही थे सिद्धांत वो तो मेरी जो किताब है हमारी जो किताब है मेरे और मेरे सहलेखक चयू पंडित पंडित जी 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 वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते उसमें बड़ा क्लियर है उसमें तो हमने देखो हमने बड़ा अच्छी तरह टैकल किया उसको किताब पढ़ने लायक हर एक भारतीय को पढ़नी चाहिए नहीं मैं अभी ऑर्डर करूंगा उसमें उसमें फर्स्ट चैप्टर इज सेपरेटिज्म ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल डेड एट अलीगढ़ सेकेंड चैप्टर है द मुस्लिम अपीजमेंट ऑफ कांग्रेस और थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सावरकर हिंदुत्व तो पहले बीमारी क्या है वो हमने समझा है वो फिर हम सावरकर को लाए तो बड़ी यूनिक बुक है उसके बारे में माननीय मोहन जी भागवत माननीय सरसंचालक आर एस एस के उन्होंने उसकी प्रस्ताव लिखी उन्होंने लिखा है कि और राष्ट्रवादियों से कैसे लड़ना ये किताब उसकी मार्गदर्शिका है और मैंने कहा मैंने कहा है मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर कि ये किताब पहले विभाजन में से लेसन लेके दूसरा विभाजन कैसे नहीं होने देना उसकी मार्गदर्शिका है हाँ समझे तो गांधी जी का हमने उसमें बड़ा क्लियर उसमें दोनों चीजों को हमने वो किया तो सावरकर का हिंदुत्व तो संबंधा पड़ेगा आपको समझे ना देखिए जब 1900 मेरे ख्याल से 40 उनचालीस या इकतालीस में याद नहीं मुझे एकदम जब लखनऊ के मुसलमानों ने एक प्रस्तावना पास किया कि भाई जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा सावरकर ने जब इसको पढ़ा तो पेपर में तो सावरकर ने स्टेटमेंट इश्यू किया कि इस टाइप के अगर पॉजिटिव साइंस एक्शंस ऐसे प्रस्ताव आते रहे मुसलमान समाज की तरफ से तो हिंदू मुस्लिम एकता पॉसिबल है मुमकिन है और उन्होंने वो जो नेता था जिस पूरी ग्रुप का उसको लेटर लिखा कि भाई ये तुम्हारे इस प्रस्तावना का मैं प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूँ हम भी प्रयत्न करेंगे उस टाइम पे मस्जिद के पास से हिंदू के जुलूस निकलते थे और और दंगे हो जाते थे तो सावरकर ने कहा कि मैं हिंदुओं को कन्विंस करूँगा कि जान के मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए जुलूस मस्जिद के बगल से ना न न न निकालें इतने आदमी थे वीर सावरकर जिनको लोग कट्टरवादी कहते हैं पर आपको नहीं लगता कि हिंदू कुछ ज्यादा ही होने लग जाता है फटाफट बहुत जल्दी बहुत जल्दी अपनी तलवार रख देता है आपको परेशानियां हो रही है अभी फिर से आप वही करे जा रहे देखिए सावरकर ने इस पे बहुत विस्तार से इस पे लिखा है सावरकर ने इसको कहा है सदगुण विकृति कभी तो पिंड छोड़े हाँ सदगुण विकृति परवर्जन ऑफ वर्च्यूज़ ऐसा उन्होंने कहा है इसको आप समझे तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमने बार बार लेसन नहीं सीखे बार बार हमारे साथ हुआ धोखा उसमें से हमने लेसन नहीं लिया या ये बात बिल्कुल सही है उनकी सावरकर की आज सावरकर मैं मानता हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए मैं सावर को सावरकर जी को पूर्ण रूप से फॉलो करने का प्रयत्न करता हूँ मैं ऐसा मानता हूँ उनका जो नेशन फर्स्ट है उसका कोई वो बेजोड़ है उनका नेशन फर्स्ट अगर फैलता है हमारे युवा पीढ़ी के अंदर तो ये जो विभाजनकारी शक्तियां हैं पार्टीज हैं जो भारत के विभाजित भारत पे जो जिनका पोषण है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी के लोग हैं पैन क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के लोग हैं कि दुकान बंद हो जाएगी अगर सावरकर की आइडियोलॉजी फैलती है तो हर चीज उनकी तर्क वाली है हर चीज उनकी तर्क वाली है इतना था कि वो अपने समय से सौ साल आगे चल रहे थे पर अब सावरकर का समय आ गया है एक विकृति ये भी है विशेष रूप से हिंदू लोगों में कि

रोज मेरी प्रार्थना ये है कि मेरे प्रपोत्र के अंदर महाराज प्रताप और छत्रपति शिवाजी के संस्कार आए सोच ही रहती है हमेशा लोगों की कि, कि मेरे बगल में पैदा हो जाए मेरा बेटा ना हो समझो आप और ये जो विकृति जो है कि झगड़ा कोई कोई आदमी कोई को मार रहा है बुरी तरह से उसके बीच में मत पड़ो मत पड़। ये तो बिल्कुल एकदम विकृति पुलिस के केस में क्यों पढ़ना तुम्हें हाँ घर पहुंचो हाँ जबकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो हतो आपसी स्वर्गम

तो मैंने गाड़ी उसको बोला ड्राइवर गाड़ी रोक मैं आगे चले जाऊँ उसको अपन पीछे बिठा देते ड्राइवर तैयार नहीं हुआ बोले मेरी गाड़ी है साहब मैं नहीं रुकूंगा इसको तो इतना अच्छा हुआ कि हम जैसे आगे निकले वैसे ही वो पुलिस की गाड़ी आ गई मतलब एक आधा मिनट के अंदर आ गई तो ये मैंने विकृति देखी हुई है नेचुरली हो गए हम, हमारे अंदर नेचुरलाइज हो गई है जब से हमने अपने बच्चों की शादियां दिन में हटा के रात में शादियां शुरू कर दी तो जब से हमने ये काम शुरू किया तब से ये बहुत नेचुरल हो गया कि छुप के रहो बच के रहो अपनी ही मेजोरिटी भरे देश में आप डर के रहते हो शांत रहते हो साइड में जाते हो देखिए ऐसा है कि करीब छह सौ सात सौ साल की गुलामी रही है ना तो उसके जो ट्रेसेस हैं उसको जाने में समय लगता है और बाद में ये गांधी जी की हत्या इसका लाभ उठा के इन्होंने जो थोप मारा पूरा देश के ऊपर मतलब मुझे याद है कि जब मैं कांग्रेस से जब हमने विभाग बोलता था मुसलमानों के मुद्दों पर देखिए मैं मुसलमान कम्युनिटी को पूर्ण रूप से कंडेक्ट नहीं करता मेरी सोच अलग है एकदम मैंने काफी अध्ययन किया हुआ है मैं मानता हूँ मुसलमान तीन भाग में बैठा हुआ है एक है मोस्ट कट्टरवादी एक लेस कट्टरवादी और एक आई वाज रीडिंग अबाउट दैट एब्सोल्युटली समझे या तो कोई भी आदमी मुझे ये कहता है कि सभी मुसलमान इनको उठा के बाहर फेंक दो तो मैं उसका बिल्कुल सहमत नहीं उससे क्योंकि मैंने तो ग्राउंड पे देखा हुआ है मैंने आप सोचिए कि मैंने गुजरात के दो हजार गाँवों में पाँव रखा हुआ है समझे आप मतलब मेरा जो अनुभव अच्छा ये ये जो मुसलमानों का जो स्टडी है मेरा ये हर एक गाँव में मैं करता था जी 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 जैसे गाँव में गया मैं ठीक है तो मुझे ये जानना होता था कि वहाँ भी कितने हैं और बरेलवी कितने हैं हैं तो मैं उसको ये पूछता जा जाकर कि नबी का जो जुलूस निकलता है नबी का जुलूस तबलीग वाले वहाँ भी नहीं निकालते कभी बरेली वाले, वाले निकालते नबी के जुलूस में कितने आदमी आते हैं आजकल मतलब आजकल तो पाँच साठ आदमी आते हैं गाँव के अंदर मैं आज से पंद्रह साल पहले उस टाइम टा चार सौ आदमी आते थे इस तरह उतने आदमी कन्वर्ट हो गए जी 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 देवबंदीजम में और कट्टरवादी हो गए म, मर्डर का लाभ उठा के प्रो मुस्लिम नीतियाँ ठोप दी तो ये परिस्थिति थी, थी आज से कुछ सालों की जब मैं बेबाक रूप से मुसलमानों के बारे में बोलता था कट्टरवादी मुसलमानों के बारे में एक्सपोज करता था तो लोग मुझे रो मानते थे मुझे लगता था कि मैं तो सही बोल रहा हूँ उसमें कुछ बड़ी बात है लेकिन लोगों को लगता था कि कांग्रेस का राज है दिल्ली के अंदर ये कैसे आप बोल रहे हो समझे आप तो ये ये परिस्थिति थी आप समझे कि नहीं मेरा यह लगता कि मैंने अध्ययन कर रखा था मेरे पूर्वज पानीपत के लड़े में लड़े थे मेरे पूर्वज टिपू सु के सुल्तान के सामने लड़े थे तो एक मेरे में गर्व की भावना थी होनी चाहिए और तो दूसरा मैंने आ, मेरे छोटेपन से मुझे महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के लिए बहुत सम्मान की भावना थी छोटेपन में जब मैंने कई जगह बात कही है फिर से दोहराऊंगा आज कि आ, जब आ, मैं छोटा था स्कूल में था तो एक फेंटीसी आती है बच्चों को तो मुझे एक फेंटीसी आती थी कि मेरे जो कुल देवता हैं खंडोबा जिनको आप मार्तन भैरव बोलते हैं उत्तर भारत में वो अगर प्रसन्न हो कि मुझे कोई वरदान देते तो वरदान क्या मांगूंगा तो मैं तो मैं वरदान ये कि मेरी पंद्रह मिनट की भेंट आप छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ करवा दीजिए जो पंद्रह मिनट की राणा प्रताप के साथ तो ये निर्भय एक मेरा नेचर बन चुका था बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन हिस्ट्री इंटरेस्ट फीलिंग ऑफ प्राइड इन अवर हीरोज़ और उनमें से ग्रहण करना ये एक मेरा एक छोटे मैं मेरा एक नेचर बन चुका था तो मैं कर पाया वो एक गाना नहीं है

जाधव जिसको आप भाटी या जाधव या जाडेजा बोलते हो राजपूत के अंदर निबालकर पंवर हैं परमारे है जिसको बोलते हैं ऐसे फिर तंवर हैं तौर ठाकुर बाईस गांव उनके औरंगाबाद के पास फिर माने जो हैं वो हैं गौड गौड राजपूत माने तो ऐसे हमारे यहाँ दस ऐसी जो सिंधिया हैं शिंदे आ, वो हमारा अध्ययन ये कहता है हमारे एक बहुत बड़े इतिहासकार हो गए उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था उस पर सरदार आनंद राव भाउसा फालके नाग पूजा का शिंदे में खास महत्व है मतलब इतना महत्व है कि आज से चालीस साल पहले की बात मुझे याद है कि एक गाँव था वहाँ पे शिंदे का जहाँ ये कहा जाता था कि आराम से सो जाओ रात को जंगल के अंदर अगर शिंदे हो तो तुमको नाग काट कोबरा नाग तुमको नहीं, नहीं काटेगा नहीं काटेगा, काटेगा। हाँ। समझे ना तो बेस के अंदर भी यही है जो बैस राजपूत जो एक वंश है बैंसवाड़ा में जो इसको बोलते तिलोकचंदी बैंस तो तिलोकचंदी बैस ही शिंदे है ऐसा कई लोग मानते नहीं इस बार मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने जो जो आनंदराव भाव साहब फालकर ने जो 1930 की जो हिस्ट्री कांग्रेस हुई ग्वालियर में उसमें जो पेपर प्रेजेंट किया पेपर है मेरे पास और बड़ा कन्विंसिंग पेपर है वो मतलब प्रूव कर देता है कि ना, ना, नाग नाग का जो महत्व वो दूसरी एक दो चीज़ें जो मिला के कही उन्होंने उससे प्रूव हो जाता है कि आ, बैसी बाद में जाके शिंदे हो गए महाराष्ट्र में तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम भी राजपूत हैं तो हमारे परदादा जमींदार थे यूपी में तो हम हमारा जो वो है वो वहाँ से आता है जो मेवाड़ से आते हैं तो परदादा पांच पीढ़ियों पहले एक नॉन सिंह नाम के वहाँ से ठाकुर आए थे तो गया जा रहे थे गया पिंडदान करते हैं ताकि सारे पिंडों का उद्धार हो जाता है तो वहीं पे उनकी लड़ाई हो गई कुछ भीलों से और फिर वो वहीं बस गए तो उस गाँव में अठारह गाँव है जो एक ही है जी नहीं हम सब ननवक ठाकुर हैं एक ही कम्युनिटी एक ही जन से अठारह गाँव बने हुए हैं वहाँ पे हमारे सब जो परदादा के चार पाँच जनरेशन पहले आए थे उस पर मेरा ये सवाल है कि जब से आज़ादी मिली एक टारगेटेड तरीके से राजपूतों को इस देश में डीमोरलाइज किया गया उनसे ज़मीनें छीन ली गई पूरा मेक मिक्स यहाँ तक कि फिल्मों तक में अगर आप ठाकुर हो तो ठाकुर में तेरा खून पी जाऊंगा अगर आप ज़मींदार हो तो भी ठाकुर आप ही हो तो एक टारगेटेड तरीके से हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक तरह से ऐसा किया गया कि ये पावर में ना रह जाए कहीं से अगर थोड़े बहुत रहें तो सेना में रहें पावर में ना रहेंगे जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय में आप देखिए अगर मैं जातिवादी नहीं हूँ वैसे तो पर अगर आप देखेंगे तो राजपूतों की संख्या आपको मिनिमम मिलेगी हर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी कि टॉप पोजिशन में एक राजपूत के पास इस देश का बड़ा न्यूज़पेपर नहीं है एक राजपूत के पास देश का कोई बड़ा चैनल नहीं है मतलब उनको ऐसे धीरे 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 निपटा दिया गया क्योंकि एक तरह से दो चीज़ें लगी मुझे एक तो डर भी था कि भाई द रूलर्स द पीपल हु हैड द क्वालिटी ऑफ रूलिंग यू इफ यू डोंट डिस्ट्रॉय देम दे माइट कम बैक इस पर वो क्या कहना है देखिए भारतवर्ष का जो इवोल्यूशन हुआ उसमें क्षत्रिय जाति का एक मुख्य रोल है इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता नवीन भारत का जो निर्माण हुआ उन्नीस के अंदर उसके अंदर भी राजपूत राजाओं का एक मेन रोल है बिल्कुल है वन थर्ड भारत जो था एक तिहाई भारत वो राजाओं के हाथ में था और राजा ज़्यादातर राजपूत या मराठा क्षत्रिय थे आप सोचिए कोई भी रैंकर बिगर उन्होंने अपने राज्य सौंप दिए अगर कोई कोई दूसरा कोई देश होता तो वहाँ पे एनआरके हो गई होती इस बात को देश भूल नहीं सकता भूल गए ना लोग समझे आप तो कुछ कुछ ब्लेम राजपूत जाति को भी अपने आप पे लेना पड़ेगा ऐसा नहीं है जो परिस्थिति निर्माण हुई है लेकिन राजपूतों को एक क्षत्रिय कम्युनिटी को एक थोड़ा सा एक कंट्रोल करने का प्रयत्न हुआ इसमें कोई ना नहीं बोल सकता बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ तो इस बात पर और मुख्य रोल है देखिए हर एक जाति का महत्व है देश के लिए अब छत्रपति शिवाजी के अगर आप उनका जो आर्मी का निर्माण देखें पूरा तो हर एक जाति थी उसमें अनटचेबल दलित भी थे वो काम करते थे संदेश पहुंचाने का काम करते थे वो बी सी भी थे सभी जाति के लोग थे सभी तो का महत्व उनके तो मुस्लिम भी थे शिवाजी महाराज की सेना में तो मुस्लिम कुछ होंगे ज्यादा नहीं एक दो राजपूत जाति का एक अहम रोल है देश के अंदर जो लड़ाई हुए आप देखिए मेवाड़ का आप देखिए

सूर्य नाइन्टी एट अल बना कहते हैं उसको उसमें है कि अंग्रेजी में पढ़ता हूँ तो अरबी नहीं आती मुझे दोज डिसबिलीव अमंग द पीपल ऑफ द अर्लियर रेवोलेशन एंड द पॉलीथीस शाल बर्न फॉर एवर इन फायर ऑफ हेल तो अगर मैं मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ और आप बहुत मॉडरेट हैं मैं भी बहुत मॉडरेट हूँ पर मेरी जो किताब है वो कह रही है कि ये व्यक्ति चूंकि ये पॉलिथीस है इसलिए नर की अग्नि में जलेगा हमेशा के लिए ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है सो इवन इफ आई लाइक हिम आई विल नॉट रिस्पेक्ट हिम वाई बिकॉज पसंद है मुझे ऐसा नहीं है पर मेरे मन में कहीं कही ना कहीं चल रहा है बेचारा नर की अग्नि में जलेगा ये तो अगर द फीलिंग ऑफ एनलाइट इक्वालिटी इज नॉट इवन पॉसिबल अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो अंधेरे में जी रहा है इसको उजाले में लाना चाहिए इक्वल कैसे हुए फिर तो हम इस पर थोड़ा प्रकाश लगे ऐसा है कि कुरान जो है उसे पचास से सौ आया ऐसी हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है एंटी अदर रिलीजन है समझे ना बाकी कुरान के जो उपदेश हैं वो मतलब ऑब्जेक्शनेबल नहीं है जितने ये हैं पचास से सौ कट्टरवादी मुसलमान होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं ज्यादा जो मॉडरेट होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये उस टाइम लिखी गई होगी अब वो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे समझा तो आप देखिए कि आपको ना बिहेवियर पर मुस्लिम बिहेवियर पर जाना पड़ेगा देखिए कांग्रेस ने जो समय बड़ा जो पाप किया वो कट्टरवाद को शेय देने का किया एटलीस्ट डरने का तो किया ही किया जी हाँ। जी खूब शेयर मुस्लिम कट्टरवाद को मतलब को तबलीग जमात को को जी जी ठीक है तो आपको बिहेवियर पे जाना पड़ेगा आज कश्मीर के अंदर अगर दस सिविलियंस मरते हैं या yes. दस लोग मरते हैं आतंकवादियों की बंदूक से तो करीबन दो या तीन मुसलमान होते हैं उसमें एक एक अभी बर्थडे पार्टी में गया था मेरा एक दोस्त थे द्वीबंदी फैमिली से आता है लेकिन थोड़े से मॉडर्न ख्याल का है लड़की उसकी फ़ोटोग्राफ़र है उसकी बर्थडे बच्चे की बर्थडे थी ग्रैंड की लड़की की लड़की लड़के की तो मैं गया था दिल्ली में तो वहाँ पर जितनी भी लेडीज थी वो बिल्कुल मॉडर्न टाइप की लग रही थी उनकी ड्रेस से उससे समझा आप कहीं मुझे ऐसा मुसलमान टच लगा नहीं मेरी स्टडी मुसलमानों पे थ्रू आउट चलती रहती है और मैं अपने बिलीफ को भी सुधारता रहता हूँ उसके आधार पे इतना मेरा फ्लेक्सिबल है समझा आप मतलब कोई चीज़ मैं गलत मान रहा हूँ तो मुझे उसके अगर चार प्रूफ अच्छे मिल जाते तो मैं अपने सुधार लेता लॉजिक मेक सेंस तो वहाँ पर जो सब में मॉडर्न जो मुस्लिम बिटिया थी पैंट पहना था उसने ऊपर का टॉप उसका अच्छा था डिग्निफाइड था लेकिन मॉडर्न था बिल्कुल झललर वाला एकदम समझा मैंने पूछा कि मैंने कहा ये कौन है बोले मेरे भाई की साली है तो एक्सपरेशन क्लास मुसलमानों के अंदर भी है आप समझे तो आपको ना मुसलमान बिहेवियर को भी साथ में रखना होगा किताब में जो आप लिख रहे हो वो बिल्कुल सही है एक दूसरी एक आया थे जिसमें लिखा है वेरी यू फाइंड मुशरिक्स हैरेस देम एम्बुश देम किल देम टिल दे से अल्लाह इज वन एंड द ओनली गॉड ये mushrics, them, 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 ये भी है बिज इस टाइप की बिल्कुल मुश्किल मतलब जो मुसलमान हो गए और वाप, वापस वापस हिंदू धर्म में आ गए या क्रिस्म जो रिवर्ट हो जाते हैं या फिर उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया कोई धर्म भी नहीं अपना है मुरतद बोला जाता है उनको जी तो आपको मुस्लिम बिहेवियर जाना पड़ेगा लेकिन इसमें कोई शंका नहीं है कि कांग्रेस की पॉलिसी के माध्यम से कट्टरवाद जबरदस्त बड़ा है मदरसा कल्चर बड़ा है हजारों की संख्या में मदरसा है हजारों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ये आने का बिल्कुल एक तरीके से अनऑफिशियल लाइसेंस है समझो आप सरकारें काम कर रही हैं उसमें के केंद्र में तो मोदी जी की है ना तो, रोकना जी 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 ना। भी तो जाएगा ब्लेम नहीं मोदी जी कर रहे हैं मोदी जी काफ़ी कर रहे हैं अमित शाह जी इसमें काफ़ी वो है लेकिन ये बड़ा बड़ा चैलेंज है तो इस चैलेंज को मानते हुए ये हम ये कहना कि सभी मुसलमान एक जैसे हैं एक ही किताब को फॉलो कर रहे हैं इसके लिए सभी ऐसा मानना ठीक नहीं होगा ऐसा मेरा मानना है

देवबंदी तबलीग जमात के कट्टरवादी लोग कांग्रेस आप देखिए ना पीस टीवी देखिए पीस टीवी को कांग्रेस ने बैन किया था लेकिन वो पीस टीवी एक साल तक दिखता रहा बैन करने के बाद हाँ, मोदी जी ने बैन किया उसको आने के बाद मोदी सरकार ने बड़ी सब मिले हुए हैं सब मतलब यहां के कट्टरवादी पाकिस्तान के कट्टरवादी सब मिले हुए हैं देवबंदियों से तो आज भी जो तालिबान है उद्योगी है सब बिल्कुल उद्योग से यही से फतवा जाता है सलमान जो है दुबई वाले शेख जाहद है अभी जी इनका जी जी ये प्लान है कि जो पावर है वो उनसे हट रही है तो हम बन जाएंगे उसके नए वो हाँ हो सकता है हम बनेंगे नए वो कि हम इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वो तो मॉडरेट होता है सलमान ने तो अभी सिलेबस में ये भी एक डाल दिया है कि भाई रामायण और महाभारत बताओ क्या है बिल्कुल एक जिन प्रयास जी 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 जी, जी तो बहुत ही ज्यादा मॉडरेट हो गए हैं जो कि नहीं पसंद आ रहा है बहुत सारे लोगों को नहीं उन्होंने 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 बंदी जमात आपको पता ही होगा सऊदी अरेबिया में बैंड, है। बैंड कर दिया उन्होंने सब आतंकवादी है।, है वो जबकि ही है ना अमरिका में अमेरिका के अंदर कई स्टेट्स के अंदर जी जी डीम टेरिस्टेशन जी जी रशिया के अंदर कई सारे ऐसे कट्टरवादी जो है वो तबलीग जमात से ही निकले हुए तो इंडिया में जब तबलीग जमात वाले सब सब कट्टरवादी नहीं सब सब को सपोर्ट करने वाले नहीं है सुन लो आप देखो दो दो उसमें, दो तो मैं सवाल उसमें सवाल पूछूंगा है उसमें। <laughs> एक है को सपोर्ट दूसरे है कि भारत इस्लाम में कन्वर्ट हो लेकिन टेररिज्म का उसमें रोल ना हो जी 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 ब्रीचिंग का हो सिंपल प्रीचिंग से हो इसे दो भाग है उसमें वाले को आप मॉडरेट कह सकते हो अपने हिसाब से तो मुझे एक बात बताइए जब भी अभी जब तबलीगी जमात ने कोविड इतना फैलाया और उसका चीफ पकड़ा नहीं जा रहा था तो उसको जब भी मुसलमानों की बारी आती है

मतलब उनके कम से कम सौ साल पहले डिसाइड रखा था पचास साल पहले कि ये टू नेशन बनना ही बनना ही चाहिए उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए चूँकि आपने किताब लिखी है सावकर जी पे देखिए सावरकर जी के कुछ शब्दों को लोगों ने पकड़ लिया जो उनका खास करके उनका जो कर्नावती के अंदर अहमदाबाद में जब वो उन्होंने पद ग्रहण किया आ, एज प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा उस बीच को ही तोड़ मरोड़ के कहा जाता है उसके अंदर उन्होंने एक स्टेज पर यह कहा कि देर आर टू नेशनस लिविंग इन वन नेशन वन हिंदू एंड वन मुस्लिम ये शब्द है पर ये अर्ध सत्य है बाद में उन्होंने उसी स्पीच में इक्वलिटी की बात की है कि वी आर डिमांडिंग इक्वल राइट्स जी 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 वी आर नॉट डिडिंग स्पेशल राइट्स फॉर मुस्लिम्स वी आर डिमांडिंग इक्वल राइट्स और उसी स्पीच के अंदर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये जो कांग्रेस की नीतियाँ जो है मुस्लिम तुष्टिकरण की हिंदुओं का हनन करके ये जारी रही तो पाकिस्तान बन सकता है तो सावरकर जो है उनको हमने किताब में ये प्रस्तावित किया कि सावरकर इज द फादर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इफ गांधी इज फादर ऑफ द नेशन वीर सावरकर इज द फादर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी वीर सावरकर इज द नोस्टर डेमस ऑफ भारत नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज ही फोर ऑल द चैलेंजेस इंडिया इज फेस्ड इन द लास्ट सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑन द नेशनल सिक्योरिटी फ्रंट वेदर इट इज चाइना वेदर इट इज़ आसाम वेदर इट इज इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मुस्लिम अप्यूजमेंट वहाबी अपमेंट समझे ना तो वीर सावरकर देखिए ऐसा है कि वीर सावरकर प्रश्न ये होना चाहिए अपना हमें यह सोचना है कि वीर सावरकर को इतना सारा उन पे एविडेंस uh, है उनकी सच बात को लाने के लिए तो घड़ी घड़ी अटैक क्यों करते हैं लोग इसके लिए करते हैं कि वीर सावरकर इज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ ऑफर इंडिया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और उनके चश्मे ऐसे हैं कि अगर वो आप पहन लिए हर भारतीय ने तो उसको हर चीज दिखेगी जी, 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 जी वो चश्मे नहीं पहन देना इनका जो लोग विभाजित भारत पर जिनका पोषण है वो पार्टियां हों वो, वो आइडियोलॉजीज हो उनका यह है कि ये जो सावरकर वाला चश्मा है ये कई प्रजा नहीं पहन ले ये पहन लिए तो हम मर जाएंगे जी 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 लेकिन इसके साथ में ये भी कहूँगा कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कंडेम कर देना जो लोग हम हमारे कई लोग कर रहे हैं आजकल वो भी ठीक नहीं है आपको आपको मुसलमानों को थ्री प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी जो मोस्ट कट्टरवादी उनसे लड़ना पड़ेगा जो लेस कट्टरवादी है उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा साम दाम दंड भेद है ना ने, नेगोशिएशन जारी रखने पड़ेंगे और जो मॉडरेट हैं छोटा वर्ग जो है मॉडरेट का उसको साथ में रखना पड़ेगा ये स्ट्रैटेजी हो सकती है एक तो चलिए जो आप कह रहे हैं कि ही वॉज द द फोर फादर ऑफ डिफेंस में क्या होना चाहिए था

दोनों किताबें उन्होंने है अंदमान के अंधेरे में से तो काफ़ी विस्तृत रूप में उन्होंने बताया है कि मैं अपने सहकैदी जो थे क्रांतिकारी उनको मैं समझाता था कि देखो यहाँ सड़ने में कोई अर्थ नहीं है सही बात हमें कोई भी युक्ति से गलत माफ़ी मांग के भी बाहर आ जाना चाहिए और इनको उखाड़ फेंकने की लड़ाई हमें फिर से शुरू करनी चाहिए और उन्नीस उन्होंने आठ से दस लेटर लिखे माफ़ी पत्र समझा आप एक भी बार उनको माना नहीं ब्रिटिशर उन्होंने समझा आप तो 1914 में जो होम मेंबर थे रेजिनल्ड क्रेडॉक हाँ उन्होंने एक लेटर लिखा वहाँ पे जेल अथॉरिटी उसका अंदामान में कि भाई वहाँ पे रूल था ही ये वो ये कह रहे थे कि इस रूल को आप इम्प्लीमेंट करो कि भाई जिन लोगों की सख्त कैद हो चुकी है पाँच साल की उनको उनको फैमिली के साथ समुद्र के रहने की अनुमति दी जाए पर यह अनुमति वीर सावरकर को मत देना अच्छा अगर सावरकर को तुमने ये अनुमति दी तो इसके क्रांतिकारी दोस्त यूरोप में हैं वो वहाँ ले कर आएँगे उसको यहाँ से भगा के ले जाएंगे तो दूसरा कि जब वो जो उनको जब छोड़ा गया उनको एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसके नेता थे मैं मेहता नाम नाम उनका नाम पूरा नाम बोल रहा हूँ मैं उन्होंने बहुत प्रयास किया सावरकर जी को छुड़वाने के लिए सावरकर के लिए जी, गांधी जी ने भी एक दो बार प्रयास किया था कि सावरकर छूटे तो जब जब उन्नीस सौ तेईस चौबीस में छोड़ा गया उनको और ये शर्त छोड़ा गया कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे और वो रत्नागिरी में ही रहेंगे उसकी जो हद को छोड़ेंगे नहीं वहीं रहेंगे तो वहाँ पे भी क्रांति कर उनको मिल के गए भगत सिंह मिल के गए उनको राजगुरु मिलके गए सुखदेव मिलके गए उन्नीस में तो वो तो एक बार तो एक अभी एक नया रेफरेंस मिला है एक हमारे एक अक्षय जोग करके एक लिखा के फ्लावर करके काफ़ी कुछ चीज़ें जो दबी विथियों को निकाल के लाए उन्होंने जो रिसर्च किया बड़ा इंटरेस्टिंग है उन्होंने कहा है कि जब प्लेग हुआ रत्नागिरी में तो उनको नासिक शिफ्ट किया गया तो नासिक के अंदर दो क्रांतिकारी आके मिले उनसे और

शिमला में शिमला मीट थी मालूम बड़ी फेमस है जी, जी। उसके अंदर एक ही पार्टी और एक ही नेता को उसमें इनविटेशन नहीं था वीर सावरकर और हिंदू महासभा को बाकी सब पार्टियां थी उसके अंदर जब कितना बड़ा वर्ग था जो उनके साथ खड़ा था इस बार। जो फोर्टी फाइव का इलेक्शन बुरी तरह से हार गए हिंदू महासभा है कांग्रेस की एक जलसाबाजी के कारण कांग्रेस ने ऐसा कैंपेन किया कि हम अखंड भारत के हम हैं और बराबर तो उसके अंदर भी हिंदू महासभा को सोलह वोट मिले हैं भाई आप समझे कि नहीं तो 1945 के अंदर जब ये शिमला मीट हुई इनको बुलाया तो एक एन बी खरे थे जी ना खरे। जी जी बिल्कुल। ना? आ, बड़े वीर पुरुष थे मैं मानता हूँ गांधी हत्या के बाद में वो हिंदू महासभा के नेता बनना चुना उन्होंने जबकि मूल कांग्रेस ही थे समय खराब समय था हिंदू महासभा का उस टाइम पे एन बी खरे उस टाइम पे वायसरी वायसरय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेम्बर थे में उन्हें पूछा वेवल को कि आपने सावरकर में उनको नहीं बुलाया हिंदू महासभा को क्यों नहीं बुलाया नहीं, नहीं नहीं बोले ये आते तो पंक्चर ही पूरी कॉन्फ्रेंस बोले ये तो हमारे कांग्रेस से भी बड़े दुश्मन है और क्या प्रूफ लास प्रूफ लास्ट की बात कर रहा हूं मैं 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 आपसे तो तो ये भी तो चलिए मान लेते हैं कि अंग्रेजों के पिट्ठू नहीं थे पर अगर अंग्रेजों की हेल्प में लेके मुझे कोई भारत से लेटर लिखे जा रहे हैं अफगानिस्तान को कि हमला करो और कब्जा कर लो तो अगर उस उस सिचुएशन में जो अंग्रेजों की हेल्प भी लेनी पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ नजर नहीं आता इसमें गलत कुछ नहीं लगता मुझे अब ये पिट्ठू बोलना जिसको जो अंग्रेजों के पिट्ठू तो बड़े बड़े लोग थे मैं वो क्या बताऊँ ऐसे ऐसे प्रूफ निकल म, के म, आ म, रहे हैं दोनों भाई जो थे हा, 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 हा। इन, इन, इन से एक ने तो लेटर लिखा था ना हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जो अफगानिस्तान के सुल्तान को मैं आपसे बिना नाम लिए बोलता हूँ कि उन्नीस सौ में एक आंदोलन चलाया गया अंग्रेज डर गए आंदोलन वापस ले लिया गया क्यों वापस ले लिया गया भाई अगर आप अगर आप बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं आजादी के टाइम के जिनको आप क्लोजली फॉलो करोगे आपको लगेगा ये तो अपनी मर्जी कुछ करता ही नहीं है बंदा ये तो कहीं और से आदेश आता है उसको सुनता है और आगे बढ़ जाता है उसको फॉलो करके आगे निकल जाता है चाहे वो जिन्ना ही क्यों ना हो जिन्ना की आप हरकते देखिए आपको लगे क्यों ये क्यों करेगा ये तो लगता है कहीं और से आया होगा आदेश इसको जैसे गांधी जी उसके पास अठारह दिन तक गए जिन्ना के पास की बात मान लो मेरी जो भी था और अठारों दिन मना करता रहा इसका मतलब ये कि सुबह और तो प्यारे लाल ने लिखा है जी जी जिन गांधी जी के सेक्रेटरी ने प्यारे लाल ने की हम जब जाते थे जिन्ना के घर पे हुँ. है ना बॉम्बे में तो हमको इतनी खराब ट्रीटमेंट मिलती थी इंसल्टिंग एकदम और जिन्ना गांधी जी को एक भी बार मिलने नहीं आया अच्छा सत्रह बार गए गांधी जी मिलने उसको अच्छा मीटिंग नहीं करी उसने

तो गुजरात के दिनों पे शुरू करते हैं तो गुजरात में जो सबसे बड़ा जो कांड हुआ है जो बहुत नेगेटिवली प्रेजेंट किया जाता है उसमें तो अच्छा ये मुझे इस आप पत्रकार खुद हैं ये कौन लोग हैं जो हर कहानी में सत्य को छुपा के नेरेटिव कर देते हैं स्टोव ने आग लगा दी थी जो गोधरा में आग लगी थी जो बहत्तर लोग मारे गए थे वो स्टोव ने आग लगा दी कोई कहता है को आग अंदर से लगाई गई थी बाहर से नहीं लगा ऐसा है कि जो आग लगी थी वो सब देवबंदी थे कांग्रेस का बेस ही देवबंदी है आप समझे

फिर करीबन साढ़े ग्यारह बारह बजे एक पांडे करके मेरी उनसे बात हुई है आरपीएफ के कमांडेंट थे वो कुछ पचास साठ जवानों को लेके आए आरपीएफ के आरपीएफ के कमांडेंट थे रेलवे में जो थे तो वो, वो लेके आए वो गाड़ी लेके आए एक इंजिन और साथ में एक दो बोगियाँ अटैच होंगी तो वो टोला फिर से आया अटैक करने अच्छा फायरिंग किया इन लोगों ने अच्छा उसने बोला है कि इस्लाम खतरे में है काफिर को काट डालो इस टाइप के नारे मैंने सुने ऐसा कहा है उन्होंने तो मस्जिद जो थी सिग्नल के पास और ये बार बार होता है और बार बार नए नए नरेटिव बढ़े जाते हैं कि ये तो याद है आपको प्रूव हो चुका है हाँ हा। लेकिन बहुत प्रयास हुआ उनको बचाने का लालू प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर के अंदर जो मैनेज कमीशन बिठाया सेफ्टी कमीशन वाला उसका भी यही प्रयास था कि इनको बचा ले समझे ना आप बहुत प्रयास उनको बचाने का और मुझे याद है नरेंद्र भाई बहुत चिंतित थे इस मुद्दे क्योंकि अगर ये पूरी अगर जुडिशरी के अंदर कुछ मेनिप्रेशन करके अगर इनको छुड़वा देते तो क्या हालत होती देश की बड़े नरेंद्र भाई चिंतित थे उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने लाशों को ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में भर के घुमाया पूरे शहर में ताकि अरे बिल्कुल नहीं मेरी मेरी, मेरी बात बात सुनो सुनो वो तो इतना खराब मूड मुझ था मुझे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ जी जी सुझाव भी आया मीटिंग के अंदर कि भाई ये लाशों को अपन आ, आ, एक ही जगह पे नहीं ट्रैक्टर पर घुमाया नहीं लाशें इनको दे दी फैमिली मेंबर्स को आप सोचिए कि आजाद भारत का पहला ऐसा बना हुआ जो टीवी ने कवर किया उनसठ हिंदुओं को भून दिया गया

देव नाम थी फिल्म की ऐसी बड़ी फिल्म में बनी में मेरी बात सब बोगस बात बोगस है जी जी एक, ये गुस्सा था था पहला हिंदू जो टीवी ने कवर किया आजादी के बाद जो जो बदले की भावना भड़क भड़की हिंदू समाज के अंदर उसको कोई रोकने की नहीं था मेरी किताब में लिखा है मैंने मेरे, मेरे जो आर्टिकल मेरा जो कवर स्टोरी है इंडिया उसमें लिखा हुआ है मैंने कहा तीस लाख लोग पहले तीन दिन तीन जो ये जो गाड़ी जली उसके दूसरे तीन अगले तीन दिन तक तीस लाख लोग मुसलमानों को मारने के लिए घूम रहे थे तीस लाख हिंदू सेंट्रल गुजरात में और नॉर्थ गुजरात में कितने तीस, तीस लाख और पुलिस की संख्या कितनी थी गुजरात की सत्तर हजार हुए पूरी गुजरात की उस एरिया की तो कम ऐसा तो नहीं है कि बाहर जगह पुरबंदर पंद्रह नहीं है तो वहाँ की पूरी पुलिस यहाँ ऐसा तो नहीं तो कुछ हज़ार चंद हजार पुलिस मैन थे इसको रोकने के लिए और घूम रहे थे तीस लाख हिंदू मारने के लिए ये तो और भी बड़ा हो जाता कितनी जगह बचाइए जान मालूम है आपको संजली नाम की जगह है जी जी वहां पे ढाई हजार मुसलमान तीन बिल्डिंग में अपनी जान बचाने के लिए बैठे थे और आठ हजार बंदूकों और तीर लेके वनवासियों ने आदिवासियों ने अटैक किया था जी, जी 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 वो तो पुलिस ने फायरिंग नहीं किया होता ऊपर तो ढाई हजार आदमी मर जाते उस दिन जल के बोडेली दूसरी एक जगह वहाँ पे भी कम से कम दस आदिवासियों ने अटैक किया ढाई मुसलमानों के रिफ्यूजी कैंप पे मुसलमान तो तो में एक दो ट्राइबल भी मर गए उसके अंदर क्योंकि वो तो ढाई हजार को मार डालते थी आप समझे तो नरेंद्र भाई ने पूरा प्रयत्न किया आर्मी मांगी उन्होंने तुरंत ही आर्मी नहीं दी इन लोगों ने उन्होंने पुलिस मांगी अगल बगल की कांग्रेस के स्टेट्स के, भी के, भी भी के भी पास पुलिस नहीं मिली उनको मालूम है आपको जी 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 उनका स्टेटमेंट भी है मोदी जी के जबकि इस स्थिति में यूजली देखा नहीं जाता ओपोजिशन कौन है सत्ता लोग मदद करते है, हैं क्योंकि स्टेटमेंट मैं, सुने हैं। एक स्टेटमेंट आता है कि पंद्रह मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर दिखाते हैं तुमको सुना होगा आपने भी बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट आता है अड़तालीस घंटे तक हमें काटा गया कोई पुलिस नहीं थी तो बड़ा कंफ्यूजन नहीं है कि या तो हटानी है या रखनी है पहले ये क्लैरिफाई कर दो

नरेंद्र श्री नरेंद्र मोदी की जो विकास यात्रा है उसको बड़े करीबी से मैंने कवर की थी जी 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 तो वो स्टोरी मेरी आती रहती थी आहा, आहा। तो... दिल्ली की नहीं थे, क्या लिख रहे <laughs> तो था। भी की, की जगह मीडिया में वो तो एजेंडा दिखता है मैं वीर सावरकर को फॉलो करता हूँ मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं सच ही बोलू झूठ ना बोलूँ मेरा पूरा व्यक्तित्व इस टाइप का है इसकी कीमत भी मैंने बहुत पे बोलना वो भाई हो तो भी सत्य बोलना लड़का हो तो भी सत्य बोलना दुश्मन हो तो भी सत्य बोलना दोस्त हो तो भी सत्य बोलना ये मेरी फितरत है उसके वजह से मैं हालांकि माहौल पूरा माहौल इंग्लिश मीडियम आप जानते हो कैसा होता है जी 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 लेकिन एक फ्रीडम दी थी मुझे अरुण पुरी जी ने मतलब आप सोचिए कि एक मौका ऐसा आया था कि मेरी नौकरी चले जाती लेकिन जब नरेंद्र भाई और बीजेपी की जब एक सौ सीट आई मैंने कहा था कि टू थर्ड मेजोरिटी आएगी वन थर्टी वन पे टू थर्ड होती थी वन ट्वेंटी सेवन आई

वो तुलसी प्रजापति था एक नंबर का गुंडा वहां का उज्जैन का समझो आप समझे तो एंटर एनकाउंटर एं, जब होते जब ये से खड़ी होती है कि था या नहीं था। लेकिन मैं मानता हूँ इस तरह से देखना है तो दिया, दिया ये, ये गलत था सौरभ उद्दीन एक नोन गुंडा था दाऊद के साथ मिला हुआ उसके दाऊद गैंग के साथ मिला हुआ था एक जमाने में नाइन्टीज के अंदर इसमें जो इनकाउंटर उसमें कोई ऐसा कोई सज्जन आदमी सब गुंडे ही थे समझो आप और एंटी नेशनल भी हो सकते हैं सारे प्रदेशों में इस तरह की नॉन जुडिशियल हत्याएं होती रहती हैं अभी भी हो रही हैं इसके केस में गृह मंत्री को कब जेल भेजा जाता है या गृहमंत्री के पीछे क्यों पड़ा जाता है यह बहुत बड़ा सवाल है तो रुकना था ना उनको हाँ 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 भाई नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रुकना था इनको इनको दो में यह ख्याल आ गया कि श्री नरेंद्र मोदी इज कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप इन फ्यूचर

अमित शाह अप्रूवर बन जाए आ, आ, तो बाद में जब अमित शाह छुटे तो उनकी जो निकटता है दोनों की वो बहुत बढ़ गई बिल्कुल मैं तो पूरा उनके रिलेशन देखे हुए क्योंकि नरेंद्र भाई के मन में विश्वास बैठ गया कि जो अमित शाह है ये मेरा बिल्कुल वफादार जी 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 क्योंकि अमित शाह दबाव था कि अप्रूवर बन जाए और वो मैं उनसे जेल में गया था है। जिन लोगों ने प्रेशर डाला अमित भाई ने उनको भी अंदर किया था कुछ दिनों के लिए बहुत ही क्लियर केस दिख रहा था कि भाई इन्होंने ये चूंकि बहुत ही वो हीरो बन रहे थे मैं एक और सवाल पूछता हूँ एक बिल्किस बानो नाम की एक महिला है जिनका रेप हुआ था और दुनिया भर की चीजें उनके साथ आई अगर जैसे कोई व्यक्ति जेल से अपना जेल टर्म पूरा करके निकल जाता है और मैं उसको माला पहना देता हूँ तो मतलब तो उसकी जेल की जो तो मियाद है वो खत्म हो गया टाइम खत्म हो गया वो बाहर आया माला पहना दी गई उसको तो क्या मतलब ये गुनाह हो गया पाप हो गया घर वाले माला पहना उसमें तो क्या पाप हो सकता है एक बात घर वाले भी थे उसमें और दूसरा कि देखिए आपको पूरा गुजरात का व्याख्या वाक्य पूरा समझना पड़ेगा इसमें कई लोग इनोसेंट जेल चले गए मैं मानता हूं कि ये अग, अगर टोटल एक्यूज हिंदू इतने थे तो कम से कम पचास परसेंट या चालीस परसेंट इनोसेंट होंगे क्योंकि द एविडेंस क्रिएटेड अगेंस्ट मेरी स्टोरी है इन ह्यूमन राइट्स अच्छा जी दो की इंडिया टूडे के अंदर <laughs> तीसरा सेटलमेंट ने किस तरीके से मैन्यूलेट किया एविडेंस को उसकी स्टोरी है मेरी मेरा मानना है कि एक बड़ा वर्ग इसमें इनोसेंट भी था यार

और जो है ये लगातार देख रहे हो आप आपको कैसा लगता है लाइक कभी कभी ऐसा लगता है कि यार भगवान से भरोसा उठ रहा है मेरा अब तो कभी ऐसा हुआ कि दिस इज टू मच यार किस किस बात को लिए? जो ये दंगे होते हैं उसमें लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया जाता है वो इनोसेंट भी हो सकते हैं और लोगों का रेप भी हो रहा है जब वेन अ रिपोर्टर ऑन ग्राउंड थे आप आप रेगुलरली जाते थे अलग अलग आप कह रहे हैं इतने सारे जिलों में आप खुद गए हुए हैं तो आपको लगता है यार मतलब इतना सारा पाप हो रहा है जी जी क्योंकि मैं सावरकर को फॉलो करता हूँ मैं पूर्ण न्याय का बहुत बड़ा समर्थक हो एक भी आदमी इनोसेंट जेल में नहीं जाना चाहिए इसका समर्थक हो और इस बात का अगर वायोलेशन होता है तो मेरे मन में जरूर उसकी पीड़ा है बट वट अबाउट रिसेंटली लड़की का नाम नहीं अनामिका नाम है उसका अनामिका तो उसके साथ रेप हुआ था वो हरियाणा में कहीं रेप हुआ था उसके सारे आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया

इंडिया टुडे के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कवर स्टोरी की थी हमने नागपुर में उन्होंने कहा था कि आजाद भारत के समय बड़े एडमिनिस्ट्रेटर नरेंद्र मोदी जबकि प्राइम मिनिस्टर नहीं बने <laughs> इसे थे द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर समझो आप <laughs> <laughs> आप चार गलतियां इधर उधर से निकाल सकते हो आप पर जो आज आप देखो कि फॉरन पॉलिसी में कहा खड़े हैं बिल्कुल कोई ऐसा एक सेक्टर नहीं है कि जिसमें हमने अनेक गुना प्रगति ना की बिल्कुल कोई सेक्टर नहीं है ऐसा

कि नरेंद्र मोदी सरकार आर एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है और ऐसे बार बार होता है कि आर एप्लीकेशन डाली जाती है तो वो उनका जवाब नहीं आता जेनरिक क्वेश्चन है कोई प्रूफ नहीं है इसका पर जेनरिक क्वेश्चन है ये यार आर एप्लीकेशन भी आजकल आर में भी देखिए ऐसा नहीं कि सब आर टी एक्टिव वो खराब हो गए लेकिन आर के अंदर भी एक पोलिटिकल एजेंडा चलता है ना आजकल नो डाउट हाँ, हाँ।, हाँ। समझो अब हाँ। हाँ। एक पोलिटिकल एजेंडा चलता ही है अभी थोड़ा कम हुआ है पहले तो बहुत था मैं तो तीन साल आर टी कमिश्नर रहा मेरे को तो बुरा मालूम है

सब में ज्यादा डिस्पोजल का रिकॉर्ड स्थापित किया तीन साल में मैंने तीन साल में कमिश्नर रहा तीन साल में मैंने करीबन चौदह हजार चार सौ अपील डिस्पोज की अच्छा जी रिकॉर्ड आप समझे इट्स ऑसम एक्चुअली मेरे बारह हजार भी कोई पहुंचा नहीं होगा बारह हजार भाग्य कोई ने क्रॉस की होगी अभी तक आ, दूसरा मैं था कि मैंने क्योंकि मैं सावर करके नेशन फर्स्ट में मानता हूँ मैंने हर एक व्यक्ति को न्याय देने का प्रयत्न किया मतलब ये उपलब्धि ऐसी है कि कोई एक आदमी को बिठाना पड़े जो मूल्यांकन करें मेरे ऑर्डर्स का देखिए जनरली आप लॉस के आधार पे सेक्शंस के आधार पे कभी कभी जिनविन एप्लीकेशन भी आप स्ट्रैक डाउन कर सकते स्ट्रैक कर देते मैं ऐसा नहीं करता मैं पहले जो एप्लीकेंट आता था उसको मैं बराबर उसका मूल्यांकन करता था एज़ टू सब्जेक्टिव टू क्वेश्चनिंग है ना इंटेंस क्वेश्चनिंग ये तय करता था कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल जिनुइन है और कई बार उसने नहीं मांगा हुआ था वो भी उसको मैं दे देता था उसमें ही करता था कि मैं क्वेश्चन आंसर जो करता था मैं लॉ ऑफिसर को बोलता था कि तुम पूरा रिकॉर्ड करो इसको इसके आधार पर इससे जो नहीं मांगा है कभी कभी वो भी मैं दे देता था कई बार मुझे लॉ ऑफिसर ने कहा इस सिस्टम ऐसा है कि जो कमीशन है आ, उसका एल एल बी होना कोई जरूरी नहीं है लेकिन एक लॉ ऑफिसर उसको गाइड करता, करता है करता जी 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 कई बार मुझे लॉ ऑफिसर है कि साहब ये अपन थोड़ा अपन आगे जा रहे हैं मैंने कहा ऐसा नहीं मैंने कहा ये आदमी तीन साल से धक्के खा रहा है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तो भी इसको ये डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है इस डॉक्यूमेंट मिलने से इसकी जिंदगी सुधर जाएगी बेचारे की ऐसा बहुत किया चौदह हजार में से दो हजार ऐसी अपील होंगी हुँ, हुँ, हुँ. जो कम कमिश्नर करते नहीं करते क्लियर मतलब जजमेंट अपीलेंट के फेवर में नहीं देते चौदह हजार में से दो हजार दो हजार की होंगे दूसरा जो मुझे अनुभव हुआ वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी अनुभव हुआ है ना और देखिए हर एक आदमी अपनी क्षमताओं के बारे में एक मन में एक धारणा रखता है कि भाई अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं अच्छा काम कर लेता लेकिन उसका उसका कोई एक कई बार वो फॉल्स इंप्रेशन भी होता है अपने बिल्कुल तो ये जो मौका मुझे मिला मोदी सरकार की तरफ से उसके बाद में मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस मेरा बहुत बढ़ गया मुझे लगा कि मेरी जो क्षमताएँ हैं वो बहुत ही उच्च प्रकार की हैं वेदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सेंस ऑफ जस्टिस समझा मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा बढ़ाने क्योंकि मैंने कभी डिसीजन मेकिंग में भाग नहीं लिया जी जी, जी पत्रकार था नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। तो आज भी मुझे वहाँ पे जो जनरल स्टाफ है वहाँ पे मुझे बहुत अभी भी बहुत रिस्पेक्ट से देखता है एकदम एक सवाल इसमें ये भी आता है आरटीआई की आरटीआई में जनता की परसेप्शन जो है वो ये वाली है कि कि सरकार के खिलाफ लो ही लोग आरटीआई लगाते रहते हैं पर आरटीआई कितने तरह की होती है क्लियर करना चाहूंगा जी जी प्लीज हाँ मेरे इसमें बहुत अलग टाइप का मेरा व्यू है जो मैं चाहता हूँ कि लोगों के सामने आए देखिए ये कहा जाता है कि भाई आरटीआई का दुरुपयोग हो रहा है एक्टिविस्ट टाइप के लोग घुस गए, लो, लो गए हैं इसमें एक्टिविस्ट क्या पैसे बनाने वाले लोग ब्लैक टाइप लोग कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं हुँ, हुँ, हुँ. है ना कुछ लोग बदले की भावना से आते हैं तो बदला की भावना वाले करप्शन करने वाले नेता बनने वाले आरटीआई के माध्यम से इस लोगों की संख्या पंद्रह बीस परसेंट से ज्यादा नहीं है अच्छा अस्सी परसेंट जेन्यून अस्सी परसेंट एप्लीकेंट जिनुइन लेकिन जो उद्देश्य था ये एक्ट को लाने का कि पॉलिसी मेकिंग को ये प्रभावित करे सरकार के लूप होल्स हैं उनको प्लग करने में रोल प्ले करे उसमें इसका रोल कम रहा है अच्छा अच्छा क्योंकि इसकी एडवोकेसी नहीं हुई हु, 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 आप समझिए मतलब जो अस्सी प्रतिशत बचते हैं उनमें से दस प्रति, प्रतिशत ही ऐसे लोग हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग या एक लार्जर पब्लिक गुड को लेके एप्लीकेशन कर रहे हो वो आते हैं न्याय लेने के लिए जब उनको अन्याय जी 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 आप समझे तो मैंने मैंने एक उसके लिए एक विजन डेवलप किया मैंने कहा है कि जो अच्छे अच्छे एनजीओ जी हैं देश के अंदर गुड एन है ना जिनका अच्छा पानी के क्षेत्र में है वीमेन चाइल्ड वेलफेयर के क्षेत्र में है अलग अलग क्षेत्र में है वो अपने यहाँ एक आर सेल डेवलप करें समझे ना और अपने संबंधित जो उनका जो संबंधित जो एरिया है उसके लिए आर टी का उपयोग करें उसको सच को बाहर लाने में जी जी और सरकार के पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करने में ये मैंने एक विचार मेरा है एडवोकेट को बोलते हैं बिल्कुल लेकिन दुर्गा पे दुर्गा के पूर्ण रूप से आर टी आई मैं स्टेट में भी देखता हूँ कि आरटीआई का जो महत्व होना चाहिए वो है नहीं कम है वैसे न्याय देने का समय बड़ा साधन है ये जी 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 न्याय देने का समय बड़ा साधन है नहीं। और सरकार डीमोरलाइज मतलब मेरे यहाँ तो आप मानोगे नहीं कि एक महीने में एक एक वीक के अंदर दो दो तीन तीन आदमी रो के निकलते थे जब मैं जजमेंट देता था तो रो पड़ते थे कि साहब हमने सोचा नहीं था कि हमको ये आज हमारा मुझे स्ट्रक्चर समझा जजमेंट देना क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ करता काम कैसे करता है ऐसा है जी कि जी आपको कोई सूचना लेनी है जी जी डॉक्यूमेंट सूचना के अंदर डॉक्यूमेंट भी आ गया जी जी जाना जनरली क्या होता है कि आपको सरकार ने अन्याय किया आप लड़ना चाह रहे हो वही सरकार आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे रही आप सोच रहे हो इस बात को तो वो सरकार का वो जो भी महकमा उसके पास जाता है और एप्लीकेशन डालता है कि डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए उसको वहां से नहीं मिलता तो सेकंड स्टेज है उसकी फर्स्ट अपील जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी वो भी एक ऑफिसर ही होता है उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर

मैं तो ये मानता ही हूँ कि आर जो है वो न्याय देने का बहुत बड़ा माध्यम है जैसे बार बार आर या अभी रिसेंटली योगी जी ने कहा था कि हमें तीन मंदिर दे दो बाकी हम नहीं लेंगे तो मेरा ये कहना है कि मुझे कोई इनमें से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ये मैं तीन मंदिर के चक्कर में हुई नहीं मैं तो सीताराम गोयल ने जिन चौदह हजार मंदिरों की बात करी थी मैं तो उनके चक्कर में हूँ ये मुझे इस मामले में रिप्रेजेंट तो बिल्कुल नहीं कर रहे क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वो तीन मंदिर मुझे पूरे चाहिए अगर किसी स्पेसिफिक मस्जिद में औरंगाबाद में एक शिवलिंग लगा जिसको उखाड़ तक नहीं पा रहे हैं लोग अभी पड़ा हुआ है वहाँ पे और अब उसके लोग पूजा करने लग गए मैं थोड़ा अलग व्यू रखता हूँ जी जी प्लीज आपसे भी और सरकार से भी जी 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 मैं मानता हूँ कि कुल मिला के पच्चीस तीस मंदिर पे एक समझौता होना चाहिए जो मेन मंदिर है क्योंकि चौदह हजार की लिस्ट है तो वो बहुत कठिन कार्य है बहुत बड़ा मतलब एक बड़ा वातावरण देश का बिगड़ जाएगा ऐसा मेरा मानना है करेक्शन का प्रोसेस है उसके भी एक लिमिट है समझो आप पच्चीस मंदिर पे समझो पचास मंदिर पे कर लो आप एक समझौता कर लो पर मेरा तो ये भी कहना है सर कि मेरे को मंदिर मत दो एक बार को लेकिन उस बात को मानो बिल्कुल सही है 100 उस बात को आप मानो कि आपने ये किया बिल्कुल, बिल्कुल। उस बात को एक्सेप्ट करो कि आपने ये किया तभी जाके रियल रि जाकेशन हो सकता है देखिए देर नॉट बी रिलीजियस रिकनसुलशन विदाउट सेल्फ इंस्ट्रोस्पेक्शन मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल मेरा ये स्टेटमेंट है बहुत पुराना जी 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 कि देयर कैन नॉट बी रिलीजियस रिकंसिलिएशन विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट प्रिपेयर्ड टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट ऑन द होल देयर माइट बी एक्सेप्शन जी 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 और ये वही वाली सोच है जो मैंने पंद्रह मिनट और 48 घंटे वाला बताया था मैं तो कि... ये मानता हूँ कि अकबर के पहले बड़ी-बड़ी जो मस्जिदें हैं देश के अंदर हर दूसरी मस्जिद के नीचे आपको मूर्ति मिलेगी उसका जो

फुल्ली टॉलरेंट फुल्ली टॉलरेंट आपको डीप में जाना पड़ेगा। इजी जी, नहीं है वो। शेख को जेल में डाल दिया था। का मेन प्रतीक। जी, जी जी जी। आज भी है। शेक, उसके फॉलोअर्स सिरिंदी शाह वलीउल्लाह अपना क्या नाम का लड़का क्या नाम अब्दुल अजीज अब्दुल हाय अब्दुल हाय का लड़का मेरे ख्याल से इस्माइल देहलवी फिर आपका ये क्या नाम सैयद अहमद बरेलवी उसके बाद में मोहम्मद कासिम ननोत् और रशीद अहमद गंगोई फाउंडर्स ऑफ तो जी बाद जी में इलियासी फाउंडर ऑफ तबलीग जमात ये, ये, ये पूरी लाइन है।, है जी जी जी, जी। बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके इट वाज फन टॉकिंग टू यू तो मुझे उम्मीद है उदय सर से मिलकर आपको उतना ही अच्छा लगा जितना मुझे लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं बहुत बहुत धन्यवाद you <laughs>